10 साल बेमिसाल, ये अल्फाज सिर्फ सरकारों के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसी स्कीमों के लिए भी बोले जाते हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की, जिसने अपने 10 साल 28 अगस्त को पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 में बीजेपी की सरकार बनते ही लाया गया था और इसका मकसद था लोगों को वकार के साथ जिंदगी जीने का मौका देना, खासतौर पर ख्वातीनों, नौजवानों और पसमंदा तबके के लोगों को वकार की जिंदगी जीने का मौका देना। इन 10 सालों में मुल्क भर में 53.13 करोड़ जन धन अकाउंट्स खोले गए हैं, जिनमें 29.56 करोड़ ख्वातीनों के हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन की आबादी से ज्यादा है और तकरीबन बलतरतीब अमेरिका की आबादी के बराबर है। 2014 में जब पहली बार बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मरकज में आई थी, तब इस स्कीम को लाया गया था और 15 अगस्त 2014 को अपने पहले यौम आज़ादी के खिताब में इस स्कीम का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान किया गया। बात इस स्कीम की करें तो इस स्कीम के तहत बैंकों ने मुल्क भर में 70,892 कैंप लगाए और तकरीबन 1.8 करोड़ अकाउंट्स खोले। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इस कामयाबी को तस्लीम किया है। माली शमूलियत की मुहिम के हिस्से के तौर पर एक हफ्ते में खोले गए सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट्स की तादाद 1,80,96,130 है और ये 23 से 29 अगस्त 2014 तक हुकूमत हिंद के महकमा मालियाती खिदमत ने हासिल की है। बता दें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के आगाज ने हुकूमत की माली शमूलियत की मुहिम को एक बेमिसाल फरोग दिया, जिसे पैमाने पर पहली बार कभी नहीं देखा गया। हालांकि पहले की हुकूमतों ने भी माली शमूलियत के लिए ये पहल की थी, मिसाल के तौर पर यूपी हुकूमत ने ऐसे लोगों के लिए जिनके पास खाते भी नहीं थे उनके लिए नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट की स्कीम शुरू की थी, लेकिन वो उसे हासिल करने में नाकाम ही रहे। प्रधानमंत्री जनधन योजना का अवलीन मकसद गैर बैंक वाले अफराद के लिए बुनियादी बजट बैंक अकाउंट खोलना था। स्कीम के तहत खोले गए खातों में कोई कम अज कम बैलेंस बरकरार रखने की जरूरत नहीं थी और उन खातों को रेगुलर खातों की तरह डिपॉजिट पर सूद भी मिलता रहेगा। इस स्कीम के तहत खाताधारों को रुपए डेबिट कार्ड दिए गए और इस रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1,00,000 रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दस्तयाब किया गया। वहीं 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए अकाउंट्स के लिए कवर को बढ़ाकर 2,00,000 रुपए का भी कर दिया गया था। स्कीम के तहत खातादार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक यानी मुद्रा स्कीम के लिए भी अहल है। बात इस स्कीम के तहत पड़े असर की करें तो सबसे पहले 500,000 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोलने से बैंकिंग खिदमात की मांग में इजाफा हुआ है, जिससे कमर्शियल बैंकों की हालिया बरसों में अपनी बुनियादी ढांचों को वसत देने की तरकीब मिली है। दूसरा, रोल आउट कर अदायगी के हल जैसे यूपीआई को प्रधानमंत्री जनधन योजना के 2 साल बाद शुरू किया गया, जिसने बैंकिंग लेन देन में आसानी और इजाफा कर दिया। तीसरा, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स हुकूमत की डीबीटी आर्किटेक्चर की बुनियाद बन गई है। अगरचे इसने गरीबों को फवायद की तेजी से फराहमी को यकीनी बनाया है, वही जनधन आधार और मोबाइल तसलीस ने नाअहल या जाली फवायद उठाने वालों को खत्म करके कारगर्दगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। 10 साल पूरे होने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी सोशल मीडिया पर इस स्कीम से फायदा उठाने वालों का डेटा साझा किया गया और इस स्कीम की तारीफ भी की गई। वाज़ेह रहे तो इस स्कीम से फायदा उठाने वाले लोगों ने भी इस स्कीम की तारीफ की है और बताया है कि किस तरह से वो इस स्कीम के तहत कई सारी नई चीजों से आगाह हुए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स ने भी इस पर राय साझा करते हुए कहा है कि ये स्कीम लोगों को फायदा तो पहुंचाती ही है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि दूरदराज के इलाकों से हैं, जिन तक इन चीजों के हवाले से ज्यादा आगाही पहुंच नहीं पाती थी। आपकी इस स्कीम के हवाले से क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।